टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार अस्सलाम जी, भाई गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फजान शेख। उम्मीद करता हूं आपका नया साल बहुत अच्छा चल रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने ये लगा लिया होगा मजेदार शो। और सबसे पहले वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को, बहुत सारी तालियां आप लोग खुद ही बजाएं, वेल डन। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की, बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अतील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार और है ना, डेजा वू सा लग रहा है कुछ। ऐसा लगता है कि ये बार बार हो रहा है ना, लेकिन ये एक बार हो रहा है, हफ्ता ऐसे गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। लगता है हम बार बार साथ साथ एक ही काम किए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी लगता है। वेरी गुड आदि भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में आपकी? जिंदगी में नया साल चल रहा है, नई उम्मीदें चल रही है, नए लोग चल रहे हैं, नया काम चल रहा है। लेकिन एक नया इंकशाफ हुआ अभी रिसेंटली। क्या चीज का? कह रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन आ गई है। कोविड की वैक्सीन आ गई है, वैसे मुबारक हो दुनिया को, हमें नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मसले हैं यार। हमारे यहाँ मसले किस बात? देखिए जी, हमारे यहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे, जो चाय के ढाबों पे बैठे होते हैं। अच्छा, वो वाले, वो वाले एक्सपर्ट, तो उनसे मैंने ये सुना है कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जब आप लगाएंगे तो आपके जिस्म में एक सिम डाल देगा अमरीका। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहाँ भी उठेंगे बैठेंगे क्या करेंगे क्या निकालेंगे सब अमरीका को पता लग जाएगा। तो बेशक आप किसी काम के ना हो, लेकिन अमरीका को पता करना है कि आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ से बैठ के क्या निकाल रहे हैं, तो वो सब देखना। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसके बाद फिर आबादी खत्म हो जाएगी। आबादी खत्म हो जाएगी जी, जिनके 8-8 बच्चे हैं वो भी परेशान है इस बात पे, कि आबादी रुके ना किसी तरह। हाँ। मतलब वो चार है। मैंने एक थ्योरी ये भी सुनी है कि आपको ज़ॉम्बी बना देते हैं वो लोग। हाँ जी जी, ज़ॉम्बी वाली वैक्सीन हमारे पास है। अच्छा, ये असल में हुआ ये है कि हमारा जरा मीडिया है स्लो। ओके, ये वैक्सीन पाई जा रही है पिछले 55 सालों से हमारे मुल्क में, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ अभी हुआ है। अगर आप जाएं कैंट स्टेशन की तरफ, ठीक है, या अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के सामने जो ब्रिज है उसके नीचे से गुजरें, ठीक है, तो अक्सर आपको डॉक्टर वहां बैठ के ये वैक्सीन लगाते नजर आएंगे। तो वो वैक्सीन बड़ी जबरदस्त है, उसको लगाना नहीं है आपने, सूंघना है। अच्छा, हाँ, ये वैक्सीन नहीं आई है आगे, इसको आपने करना है नीचे लाइटर लगाना है, वैक्सीन होगी गर्म, ठीक है, फिर आपने स्टीम लेनी है। अच्छा, स्किन भी आपकी क्लियर, दिमाग भी क्लियर। अच्छा, फेशियल के साथ वैक्सीन है। कोरोना खाली नहीं मरेगा, कोरोना की माँ भी मर जाएगी। तो ये क्योंकि बात हो रही जी वैक्सीन की, मैं आपको एक बात बताता चलूं, एक वैक्सीन जो बहुत अरसे से यहाँ मौजूद है वो लोग नहीं लगवाते, तो कोरोना की वैक्सीन बहुत दूर की बात है। पोलियो अभी तक जिंदा है हमारे मुल्क में, बहुत बड़ा अलमिया है खुदा के वास्ते जी। पोलियो की वैक्सीन सही टाइम पर अपने बच्चों को दिलवाएं, खास वक्त तक वो वैक्सीन लग सकती है, उसके बाद सारी उम्र भर की माजूरी हो सकती है। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। लेकिन फजान भाई, एक और मसला यार वैक्सीन का, तो क्या मैंने सुना है वो कह रहे हमें थोड़ी लगेगी। क्यों? हम डिफेंस में थोड़ी रहते। अच्छा, क्या मतलब है वैक्सीन सिर्फ डिफेंस वालों के लिए? हाँ, वो तो बड़े लोगों के लिए आएगी, हम थोड़े लगेगी। हम बड़े लोगों को क्या मतलब? जिस तरह आप देखे ना, बहुत सारे हमारे माशाल्लाह साइंसदान जो हैं चाय के ढाबों पे ये कहते हैं कि कोरोना हमें लग नहीं सकता। वाह, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको लगता है कि वो जो गुटखा खा रहे हैं, जब उनको गुटखा नहीं लग रहा तो कोरोना कहाँ से लगेगा। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि यार सुबह उठ के मुंह धो लो। अच्छा, उससे आप धो लो, वो तो सभी धोते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं धो रहे ना। अच्छा, उन्होंने अभी शुरू किया। हाँ, तो कह रहे सुबह के मुंह धो लो कोरोना नहीं लगेगा। फिर एक ने मुझे बताया नाखून काट के रखो। जी, क्योंकि होता ये है कि नाखून बड़े होते हैं, आप कोरोना में नाखून डिप कर जाते हैं अक्सर, तो कोरोना चिपक के उंगलियों के साथ आएगा, तो नाखून नहीं काट लो। कौन सी थ्योरीज है, मैंने नहीं सुनी है सर। आप कभी आओ तो ब्रिज के नीचे, आपको एक बंदा कहते देख। अच्छा यार, छोड़ देना, मैं मुझे मजा आ रहा। हाँ, बताइए। एक बंदा कहता है यार जब आएगी ना वैक्सीन, हाँ, फौरन नहीं लगानी। अच्छा, फौरन नहीं लगानी है, ताजी का असर नहीं है, थोड़ी बासी करके लगाएं। वो आए थोड़ा, उसको महीना दो महीना नहीं लगवाना। अच्छा, ठंडी हो जाएगी, हाँ, पक जाएगी, हाँ, फिर लगवाना ताकि असर करे। यार ये पाकिस्तान में सब कुछ होता है यार। भाई इस तरह की कोई थ्योरी पे अमल मत कीजिए, जो डॉक्टर कहता है वो कीजिए, और वैक्सीन आए तो फौरन लगवाइए, आपके लिए, अपने लिए भी और अपने चाहने वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, ये तो चीजें चलती रहती हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, क्यों खुश हुए आप? तो हमारे यहाँ बहुत कमी होता है कि हमारी गेस्ट बने, हम तो लड़कों में ही गुजारा कर रहे हैं बच्चों।
आपको आपको पता है मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था, फिर मेरे सारे टीचर भी मर्द। तो जाहिर सी बात है बॉयज स्कूल है तो टीचर भी मर्द होंगे। नहीं नहीं, अक्सर अच्छे स्कूलों में जो होता है ना खवातीन, तो अच्छे की बात हो रही है ना, तुम्हारे स्कूल की बात थोड़ी हो रही है। एक हमारी आई मिस नादिया। हाँ, हम खुश हो गए भाई, कल से मिस नादिया पढ़ाएंगी। फिर अब हम बैठे 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 एक अंकल आ गए, बोला अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा भाई हमें तो कहा था मिस नादिया को बुलाना, बोला वो फौत हो गई, आज से मैं पढ़ाऊं। तो भाई किस्मत नहीं मरते फिजान। नहीं, आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बाकायदा मतलब लड़की हैं। अच्छा जी जी। अब मुझे याद है शुरू में हमारे यहाँ बुलाया बताया गया कि आपको जो है ना आपको एक लड़की आपकी टीम में होगी। तो भाई गेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हूँ ना फिजान, मैं मर्दों में तंग आ गया, मुझे आई वांट लेडीज। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है लेडीज अराउंड में। फकीर सारे मर्द कर रहे हैं, फकीर में मर्दा कर रहे हैं ना मुझे। खातून ने दूर से देखी, इससे नहीं मांगना। अच्छा जी, आज की जो हमारी गेस्ट हैं बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, थोड़ा कम कम काम करती हैं। आइए उनसे हम सवाल आत करेंगे कि क्यों इतना कम कम काम करती हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी रिजर्व्ड हैं। रिजर्व्ड है, रेस्टोरेंट है वो। रिजर्व्ड है, मतलब रेस्टोरेंट रिजर्व होता ना। थोड़ी सी रिजर्व्ड हैं, हर तरह के कैरेक्टर्स कर सकती हैं, लेकिन बहुत चूजी हैं अपने काम को लेके। उनसे बात करते हैं, हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की वाइफ हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उनको बुलाते हैं, बहुत सारी तालियां मरियम फातिमा। वेलकम टू द मजेदार शो। वैसे हम अक्सर गेस्ट को बोलते हैं कि आए बैठे, लेकिन आप खुद से बैठ गए तो हम वेरी गुड एडिट पे डाल लेंगे इस बात। अच्छा किया आप बैठ गई। कैसी हैं आप मरियम? कैसी? ठीक ठाक। ये बताइए इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करती अपनी मर्जी से? एक्चुअली बीच में आई वॉज स्टडींग एज वेल, तो इस वजह से भी थोड़ा सा गैप था, लेकिन उसके अलावा जनरली ऑल्सो आई डू टेन टू चूज स्टफ। मरियम आप क्या, आपने क्या क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है? साइकोथेरेपी। ठीक है, ऑडियंस में जिसको समझ आया वो तालियां बजा सकता है। साइकोथेरेपी आपने पढ़ी भी माशाल्लाह से। आपको पता है साइकोथेरेपी क्या होती है? जी जी। क्या होती है? इट्स अ थेरेपी अबाउट साइको। नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ व्हाट? नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो आपने कहां से पढ़ी साइकोथेरेपी? सीपीपीडी। क्या भाई, क्या मसला है हमारे? और गेस्ट नहीं है, थोड़ा जाहिल सा हमारे जितना। तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन मैंने उसे प्रोफेशनली कंटिन्यूअसली नहीं किया, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं पढ़ने के हद तक मुझे क्यूरियोसिटी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आई डोंट वांट टू लिसन टू पीपल्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो मैं वैसे भी करती हूं। तो ये सीपीपीपीपी जान से आपने पढ़ा है, ये क्या मतलब है इसका? सेंटर फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दो तीन बार आप बोल दें, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे। आपको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। स्पेशलाइज ऑफ पुलिस स्टेशन। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि जब एक एक स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो आपका प्रोसेस क्या है? मैं सबसे पूछता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि हर एक्टर का प्रोसेस कैसा होता है। आप स्क्रिप्ट देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, कहानी में अपना किरदार देखती हैं, या चैनल देखती हैं, पैसे देखती हैं, को एक्टर देती हैं, क्या प्रोसेस क्या, ज़रा बताएं। अच्छा, आई थिंक वैसे आई शुड स्पीक फॉर माई सेल्फ, लेकिन मोस्टली मैं यही देखती हूँ कि मुझे रोना धोना होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो जिसमें कुछ और अलग हो करने के लिए आई वांट टू डू दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, खासतौर पर खवातीन। तो फिर उसमें क्या होता है? आपको अपनी you have to compromise on your art and you have to compromise on what you want to contribute and you just have to do stuff sometimes. theek hai, lekin agar main aap se puchu ki aapka dream character kya hai, yahan ke kaam ko aap chhod dena, ki rona dhona chhod dena, kya karna chahenge aap? bole main kuch is tarah se karna chahti hu. mujhe grey characters bahut acche lagte hain, jinme sirf acha 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 na ho. i like stuff that's grey. mujhe aisi koi cheez karni hai jo which is not idealized, aisi cheez jo sabko pasand na ho, you know. I want to see how that is. I personally feel ki usme margin zyada milta hai, usme margin bhi zyada milta hai. aur I think ki kyunki har insaan bhi grey hi hota hai, hum sab grey hote hain. bilkul, wo to makeup kiya hua hai hum sab ne. wo koi aur baat kar rahi hai, zara padhi likhi baat, abhi aapko hum bulayenge. theek hai, aap yahi rakhiye. ji to kya baat kar rahi thi? aap kehti ki har insaan grey hota hai. हाँ, तो यूजुअली हमें बहुत आइडियलाइज्ड वर्जन्स दिखते हैं. Absolutely. तो मुझे उन वर्जन से प्रॉब्लम है. मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू बी एबल टू शो पीपल पार्ट्स ऑफ देमसेल्व्स इन मी. ठीक है. आई वांट टू रिप्रेजेंट ट्रूथ. ठीक है. दैट्स अबाउट इट. अच्छा, और ये मुझे बताए ना कि आपके घर में एक और एक्टर मौजूद है. तो उनका कितना अमल दखल होता है आपके किसी भी स्क्रिप्ट को हाँ या ना करने में? अच्छा, ये चीज़ बहुत इंडिविजुअल है हम दोनों एक दूसरे की चीज़ों में ज़्यादा दखल नहीं देते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क. लेकिन हाँ, उसका फीडबैक होता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, लेकिन मोस्टली मैं अपनी चीज़ें खुद ही पढ़ती हूँ, खुद ही देखती हूँ. बस यही है, बस ऐसी है. मतलब ज़्यादा आप नहीं बोलने देती उनको कि चलो साइड पर जाओ? नहीं नहीं, मैं बोलने नहीं देती की बात नहीं. आई थिंक कि बोथ ऑफ अस रिस्पेक्ट द फैक्ट कि फाइन वी आर अ कपल एंड वी लिव टुगेदर, लेकिन we are individuals as well, so I think that we give each other the space to choose for ourselves. ye bilkul mera aur faizan wala hisab ho gaya.
मुझे बताएं आपके जो शौहर है यार उर्दू मेरी पक्की है आपके जो शौहर है जौजा जौजा ये हैं जौजतुल उलवा अरे जौजा ये हैं बेगम बेगम है ये जौजा वो शौहर हैं वो क्या होते हैं वो शौहर हैं आपका बंदा जो है अरे शौहर हैं यार उर्दू में क्या बोलेंगे शौहर उर्दू है सॉरी आपके जो शौहर हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आप उनसे कब मिली पहली बार 2016 एक प्रोडक्शन हाउस के मेकअप रूम में मिले थे हम अरे दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे थे वो उडारी कर रहे थे आई वाज डूइंग लगाओ मेरा पहला प्रोजेक्ट था ठीक है तो हम वहाँ बैठे हुए थे बातें हो गई हमारी अंदर वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर फ्रेंड्स फॉर अ ईयर वी स्टार्टेड डेटिंग लेटर ऑन सो और फिर अब फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि शादी कर ले अच्छा मेरा कोई इरादा नहीं था अरे जबरदस्ती ये लड़के आज के गन पॉइंटों पे जो निकाह कर रहे हैं ना मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ फैजान जी पूरी बात सुन लो कह रही मेरा इरादा नहीं था अभी बात शुरू हुई है फिर कुछ हुआ होगा हाँ। मुझे शादी का कभी भी शौक नहीं था अच्छा लेकिन मुझे लगा कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है एंड देन एट सम पॉइंट आई थॉट कि यू नो ही इज आल्सो अट्रैक्टिव सो व्हाई नॉट तो शादी का ये किसने कहा कि आओ इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले उसने ही बोला ऑब्वियसली अच्छा मर रहा था हमारी भाभी जो मर रहा था वो तो खैर हारिस ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि मैं मर जाता अगर मेरी शादी नहीं बट ही इज एन अमेजिंग पर्सन और मेरा जैसे उसके साथ बॉन्ड है मुझे नहीं लगता किसी के साथ हो सकता है तो मैंने बोला कि यू नो लेट्स जस्ट डू दिस आपने कहा कि आपका शादी का इरादा नहीं था तो भी किस चीज का इरादा था आपने कहा इसको इसको इसके पैसे खर्च कराओ घूमो इसके साथ है नहीं मतलब यार कि हम अच्छे दोस्त हैं तो अभी दोस्त रहते हैं अभी अच्छा आपको दोस्तियां करनी थी शादी नहीं करनी अच्छा मैं पैसे खर्च कराने वाली लड़कियों में से नहीं मैं खर्च करने वालों में से हमारी वाली तो मिल भी नहीं रही क्रेडिट मांग मांग के जलील कर दिया हमें मिलने भी नहीं वो एक लड़की से मैं 2 महीने से बात करूँ उसको जब बोलो मिलेगा मेरा मामा पापा नहीं मानते पागल की बच्ची पूरी रात मुझसे बातें करती है पापा मामा मानती है ये जो तुम्हें ट्रॉमा हुआ है ना इसको कुछ कहते हैं इसी के लिए साइकोथेरेपी ऐसी लोगों के लिए पड़ी थी मैंने हाँ एक काम करते हैं हम फौरन इस मरीज को दिखाते हैं यहाँ डॉक्टर मौजूद है आप जाते हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आइए हमारे साथ मौजूद है मरियम फातिमा आप देख रहे हैं दे मजेदार शो मजेदार मजे मजे मजेदार 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 वेलकम बैक जी आप देख रहे हैं तो मजेदार शो मेरे साथ मौजूद है आदिया दीलमजद उनके साथ मौजूद है मरियम फातिमा उनके साथ मौजूद हूं मैं आज मैं अपनी अम्मी को बता गया तुम सही करोगे है ना सही और अब हम खेलने लगे दिस और दैट मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार होगा कुछ यूं आपसे एक सवाल होगा उसके दो जवाब होंगे सवाल जवाब लंबी खामोशी ये क्या करते हो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे हंसी आती क्या है ये एक रेफरेंस है आप नहीं समझेंगे अच्छा अच्छा एक सवाल होगा दो ऑप्शन होंगे आपने एक जवाब देना ही है इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी लेकिन जब हम कहेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपने जवाब क्यों दिया ओके ठीक है जी तैयार हो जाएं पहला सवाल पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स नेगेटिव कैरेक्टर्स ठीक है लाइव शोज या रिकॉर्डेड शोज रिकॉर्डेड वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न जीन्स या फिर जैकेट्स जैकेट्स ओके बस या फिर रिक्शा रिक्शा फैसल कुरैशी या फुरकान कुरैशी फैसल कुरैशी क्यों फुरकान कुरैशी ने ऐसा क्या कर दिया फुरकान कुरैशी माशाल्लाह वो इतने लंबे मुंह के साथ खत रख के एक्टिंग कर रहा है आप उसको मुंह नहीं लगा रही यार कह रही है आई डोंट नो फुरकान कुरैशी यू डोंट इवन नो हिम आई हैव हर्ड ऑफ हिम मगर मुझे शक्ल नहीं आता फरहान कुरैशी ये तुम काम करो ना कुरैशी नहीं हुए फरहान कुरैशी ये तुम काम करो ना कोई देख नहीं रहा लड़कियों को पता ही नहीं तुम्हारा पता ही नहीं तुम्हारे बारे में तो बिला वजह हमारे साथ यूं घूमते मिलियन फॉलोअर कद्दू मिलियन हां अच्छा जी पंक्चुअल या फिर लेट पंक्चुअल नेटफ्लिक्स या फिर YouTube नेटफ्लिक्स गुड कैरेक्टर्स या फिर गुड पे गुड पे मतलब गाड़ी पे रिक्शे पे गुड पे पैसे वाले पे पैसे ज्यादा जरूरी है मैं भी शायद या फिर माहिरा खान माहिरा खान क्यों ये मैं भी शायद क्या लड़कियों का नाम लेने में इतनी जेलिसी क्यों है फैजान तमगा मुमताज उसको मिला इम्तियाज मिला मैं उसको आप नाम नहीं ले रही यार उनका अच्छा जी क्यों नहीं पसंद आपको मैं भी शायद मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद तो आपने नाम उनका लिया मुझे ज्यादा पसंद मायरा है ज्यादा अच्छा क्या माहिरा खान में है जो मैं भी शायद मुझे मुझे एक्चुअली दोनों बहुत ज्यादा पसंद नहीं है दोनों ही नहीं पसंद फिनिश द इंडस्ट्री राइट नाउ नहीं नहीं ठीक है नहीं पसंद भाई पर्सनल चॉइस होती है नहीं पसंद की बात यार तुम मैं नहीं नहीं बताएं ना क्यों नहीं पसंद भाई मतलब कहीं मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद बस ठीक है लाइक अ नॉर्मल पसंद लाइक अ नॉर्मल बस नॉर्मल हां हैं बस मैं क्या करूं ऐसी वाली अच्छा जी आउटडोर्स या इंडोर्स इंडोर्स क्रिकेट या फिर फुटबॉल 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 आदि भाई पूछिए अच्छा अब मैं ये आपसे हो गए शुरू के बेसिक सवाल आगे भी बेसिक सवाल है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपके सामने क्यों पड़ा हुआ है अगर अब अगले 15-20 सवालों के एंड तक आपने इसको सॉल्व कर लिया जो कि मैं नहीं करूंगी तो हम आपको 2 लाख रुपए कैश देंगे
नहीं वाकई वाकई हो सकता है। नहीं लेकिन मुझे आता ही नहीं। आता नहीं? अटेम्प्ट तो करें ना। अब तक कितने लोग कर चुके हैं? चार लोग कर चुके। चार लोग जीत चुके हैं, जिनमें से तीन खवातीन थी, एक मर्द था, हमें उसने ये बताया था। ठीक है, तो चले जी, पहला सवाल ये है कि ये बताइए कि बहुत सारे दोस्त या कम दोस्त? कम दोस्त। अच्छा ये बताइए, बाहर घूमने जाना या घर पे बैठे रहना? बाहर घूमने जाना। ये बताइए, असली बाल या एक्सटेंशन लगवाना? असली बाल। ये बताइए, मेकअप और नो मेकअप? मेकअप। ये बताइए कि दाल चावल हाथ से खाना या दाल चावल चम्मच से खाना? चम्मच। ये बताइए, अंडे की जर्दी को तोड़ के खाना या साइड साइड से सफेद सफेद खाना? दोनों खाना। ये बताइए, मुर्गी टंगी हुई हो अगर तो उसको देखती हैं आप? क्या मतलब है मुर्गी टंगी हुई? कहाँ टंगी होती है? कढ़ाई की दुकान पर टंगी हुई नहीं होती ऐसे करके। वो क्यों देखेगी? तो वो क्यों देखेगी मुर्गी टंगी हुई? मैं पूछना चाहता हूँ, देखो मैं देखता हूँ, तुम देखते हो? नहीं मैं तो देखता हूँ, आप देखती हैं? मैं नहीं देखती। मुर्गी टंगी हुई नहीं देखती? नहीं भाई, क्यों क्यों देखेगा? अच्छी लगती है वैसे बेचारी। अच्छी लगती है इसमें क्या अच्छा मुर्गी टंगी हुई है? ये बताइए, चिकन या बीफ? चिकन। ये बताइए, सी फूड खाएंगी या सब्जियाँ? सी फूड। अच्छा ये बताइए, इंजमाम उल हक या मिसबाह उल हक? I wouldn't know क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखती। चले आपको ये तो पता है कि दोनों क्रिकेटर्स हैं। इंजमाम उल हक या मिसबाह उल हक? इंजमाम। मिसबाह उल हक। मिसबाह वो लड़कियों वाला नाम रखे, पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता रहा, आप उसका नाम ले यार। लड़कियों वाला नाम क्या मतलब है? उसका नाम मिसबाह उल हक। मिसबाह मेरी पड़ोसन का नाम था, कुड़ियों से खेलती थी, मुझे लगता है बड़ी हो गई क्रिकेटर। भाई लड़कों का भी नाम होता है ना। सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। विंटर्स या समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? ऑटोग्राफ। बर्गर या बन कबाब? बन कबाब। ठीक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम? Instagram. एमन या मिनाल? मिनाल। एमन नहीं पसंद है। एमन नहीं पसंद? अभी तो आपने कहा था मतलब। अच्छा यार आप बहुत जेलिस हो यार, लड़कियों के नाम बोलेंगे मुझे। खैर दोनों इतने कोई खास नहीं पसंद। इतने पैसे खर्च करके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके यार। पैसे खर्च करके? असली है? हाँ हाँ भाई। यार फॉलोइंग ऐसी बात नहीं। अच्छा इतने उनके फॉलोअर्स हैं यार, आप उनका नाम तो लें यार। जुड़वा है दोनों। अच्छा मिनाल क्यों पसंद है आपको और एमन क्यों नहीं पसंद? कोई भी बहन आ जाएगी लगेगी। क्योंकि मैंने दोनों में से सिर्फ एक का ही काम देखा हुआ है और मुझे वो बेहतर लगा। अच्छा काम देखा तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? बेहतर लगा मुझे। बेहतर लगा किससे? इंसान को उल्टी आती है ना, उसके बाद फिर बेहतर। एमन से बेहतर लगा आपको मिनाल का काम? ओके ठीक है, ये ठीक है। फवाद खान या एहसन खान? फवाद खान। चलो वो अपनी बिल्ली आगे लेके पर्शियन कैटों की तरह बैठा हुआ चैनलों पे शो कर रहे हैं, आप उसका नाम नहीं ले लिया? क्यों नहीं पसंद आपको? मुझे फवाद खान बहुत पसंद है। चलो ये तो बात क्लियर करते हैं। फवाद खान क्यों पसंद? दाढ़ी उसकी गाड़ी है इसलिए? नहीं वो कंप्लीट पैकेज है ना। कंप्लीट पैकेज है, उसके साथ कप भी आते हैं, प्लेटें भी आती हैं, साथ में बेडशीटें आती हैं। कंप्लीट पैकेज इन अ सेंस कि एक मर्द में जो कहते हैं ना पूरा हुस्न है उनमें। अच्छा दाढ़ी भी अच्छी है, बाल भी अच्छे हैं। मैन ऑफ अ ड्रीम। मैन ऑफ अ ड्रीम। ओके पूछिए सवाल। मैन ऑफ अ ड्रीम। ये बताइए कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज। ये बताइए कि बच्चे दो ही अच्छे या बच्चे जितने भी हैं बच्चे अच्छे होते हैं? बच्चे चाहिए ही नहीं। बच्चे नहीं चाहिए? ये हम आपको शोरबा थोड़ी दे रहे सालन के साथ, क्या मेरे बच्चे चाहिए? और शोरबा नहीं चाहिए भाई। बच्चे क्यों नहीं चाहिए भाई? बच्चे तो बच्चे। नहीं नहीं ये ऑप्शन ही नहीं दिया ना हमने आपको, बच्चे दो ही अच्छे या बच्चे जितने हो, बस इसमें से जवाब। अगर किसी के हो तो दो अच्छे हैं। किसी के हो आपको नहीं चाहिए बच्चे? मतलब किसी के भी हो तो दो ही हो, उससे ज्यादा नहीं चाहती आप भाई? किसी और के क्या टेंशन है? अगर बच्चे नहीं होंगे तो नस्ल का नाम आगे कैसे बढ़ेगा यार? नहीं तो दो, आई मीन दो से ज्यादा पे फोकस कैसे कर सकते हैं आप आज की दुनिया में? स्मार्ट, ये पढ़े लिखो का ये मसला ही ऐसा जवाब देते हमारे पास आगे होता नहीं बोलना। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? A bit of both. नहीं वो तो आई नहीं हमारे, वो तो आया हुआ ही नहीं है। एक बताए, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। या पहले इंट्रोवर्ट बाद में एक्सट्रोवर्ट ऐसा कुछ? There's this word called ambivert. दोनों का मिक्सचर होता है। ambivert नहीं क्या होता है ambivert बताइए? गाड़ी में डेक लगाते हैं आप, ठीक है आवाज सही नहीं आ रही होती। ठीक है यार आवाज सही नहीं आ रही गाड़ी में तो फिर ambivert लगाते हैं तो आवाज बढ़ जाती है, वो एम्पलीफायर होता है। आपको लगा वो ambivert होता है? वो एम्पलीफायर होता है। सॉरी। अच्छा ये बताइए कि अपने कपड़े या मांगे हुए कपड़े? अपने कपड़े। ये बताइए असली दांत या नकली दांत? असली। बड़ा सोफिस्टिकेटेड। नहीं जाते ना उस तरफ, नहीं जाते जब नहीं आता। मैं उनके झलक में आगे पढ़ा लिखा बनने की। अच्छा एम्पलीफायर सब। आर यू एम्पलीफायर? मैं मेमन हूँ। ये बताइए कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा सवाल है, दांत में बोटी फंस जाए तो तीली से निकालती है या नाखून से निकालती है? किससे? तीली से या नाखून से? नहीं मैं निकालती नहीं है, बोटी बड़ी बड़ी बासी हो रही है अंदर। नहीं वो कह रही मेरी बोटी फंसती नहीं है। बहुत गलत इलाके में रह रहे, बोटी अपनी मर्जी से फंसती है। मैं जबान से निकालती हूँ। जबान से? अरे और जबान से ना निकले तो जिद करती है या छोड़ देती है? मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ।
दांत ब्रश कर लेती। ये वाला ऑप्शन भी तो था। हाँ ये तो तुमने सोचा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, से तुम एम्बिवर्ट ही हो। यू आर एम्बिवर्ट। अच्छा नहाते हुए साबुन इस्तेमाल करती है बॉडी शावर? बॉडी शावर जेल। बॉडी शावर। अबे यार बहुत गरीब हूँ यार मैं, अल्लाह की कसम कोई मुश्किल बड़ा वर्ड ही नहीं आता। 300 से ऊपर के आइटम मुझे आते ही नहीं है। बॉडी शावर क्या होता है वो? शावर जेल। शावर जेल साबुन। बॉडी शावर भाई खड़े तो उसके अंदर ही होते हैं ना। बस आप एम्बिवर्ट हो, आपको पता नहीं है। ये करेंगे जो कुछ सब, किसी को डराना हो यार आप एम्बिवर्ट हो, परेशानी हो जाए ना गूगल करता। अच्छा बताएं साबुन या बॉडी शावर जेल? शावर जेल या साबुन? शावर जेल। शावर जेल। अच्छा ये बताएं मामू या खाला? मामू है नहीं, खाला। मामू है ही नहीं? हां नहीं मामू नहीं है। कोई तो होगा। क्या वजह थी सुस्ती की, मामू क्यों नहीं है? कोई तो होगा जो शादी से पहले दोस्त होगा फिर मामू बन गया। तो भाई वो उनके मामू है ही नहीं तो कह रही खाला। अच्छा खाला ठीक है, ठीक है। अच्छा वसीम अकरम या वसीम अख्तर? अब ये अकरम जल्दी से सोच रही कि दोनों कौन लोग हैं। वसीम अख्तर आपको पता है कौन है? पाकिस्तान की पहली मेडिसिन जिन्होंने बनाई थी। जी नहीं। ये कौन है? वसीम अख्तर। नो, वसीम अख्तर इज सम पॉलिटिशियन एंड वसीम अकरम इज अ क्रिकेटर। यस वेरी गुड। आपने कहा वसीम अकरम, जैसा कि आपको कोशिश की थी कंफ्यूज करने की। ये बताइए कि हर महीने बाल कटाना या यार जब दिल जाएगा तब कटा लूंगी? ट्रिम होते हैं बाल लड़कियों के तो। ट्रिम? हाँ कभी कभी। कभी कभी ट्रिम मतलब छोटे छोटे जो काट देते हैं, पैसे जाया करने वाली चीज जो करते हैं। हाँ भाई मर्जी उनकी यार, वो उसको 3000 रुपया दो उसको ट्रिम कर दे। नहीं हाँ। क्योंकि इतनी स्टाइलिंग होती है तो नीचे से बाल डैमेज हो जाते हैं ना, सो वी हैव टू गेट देम ट्रिमड। ओ ओके ओके ठीक है। अच्छा ये बताएं फिरदौस जमाल या फिरदौस आशिक अवान? ये दोनों मर्द हैं पता है मुझे। फिरदौस आशिक अवान इज अ पॉलिटिशियन एज वेल एंड फिरदौस जमाल इज एन एक्टर। ठीक है कौन बेहतर एक्टर है? मुझे लगता है ये सवाल होना चाहिए था। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान। गोलगप्पा हाथ से पकड़ के खाती है या चम्मच में गोलगप्पा रख के उसको टाइटैनिक की तरह डुबा के फिर निकाल के खाती है? टाइटैनिक की तरह हाथ से खाने वाली चीज है। ठीक है अगर चम्मच में फिट ही नहीं आता वो। अच्छा कम कैश या ज्यादा का चेक? कम कैश है ज्यादा का चेक। हमारे यहाँ तो आपको पता है चेक का कितना मसला होता है, साइन नहीं हुआ हुआ या हुआ हुआ लेकिन मिल नहीं सकता। मुझे कई बार ऐसा लगता है जो चेक बना रहे ना उसके हाथ नहीं है शायद। क्यों? वो आता रोज़ा साइन नहीं कर पाता ऐसे ऐसे करता। ये तो अक्सर होता है सर चेक रेडी है साइन नहीं हो रहा, साइन नहीं हो रहा उससे यार, साइन नहीं हो रहा। अजीब सी बात। अच्छा ये बताइए लाइव म्यूजिक या डीजे? डीजे। ये बताइए पाकिस्तान में घूमना या पाकिस्तान के बाहर जाके घूमना? बाहर। ये बताइए कि कपड़ों के बारे में कॉन्शियस होना या आई वेयर व्हाट आई वांट? आई वेयर व्हाट आई वांट। जबरदस्त वेरी गुड। अच्छा वोट और आई डोंट केयर? वोट। वोट। अच्छा अब आप वक्त आ गया जी दो इंपॉर्टेंट सवाल का। आपने जरा सोच समझ के जवाब देना, थोड़ी गंभीरता बढ़ेगी इसमें। पहला सवाल थोड़ा इजी है दूसरा मुश्किल है। पहला आदि भाई पूछेंगे दूसरा मैं पूछूंगा। आदि भाई और आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट बेवकूफ से आते हैं लेकिन कुछ गेस्ट बहुत पढ़े लिखे आते हैं। ये दो सवाल हैं। आप जवाब है टीवी पे तो शायद एक बार या दो बार चले लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा। आपके बच्चे जो आप कह रही हैं नहीं होंगे, कभी हो गए अल्लाह की देन है रुक तो नहीं सकती, कभी आ गए एकदम से आ गए नहीं, वो भी पापा वो भी होता है, वो भी होता है। पढ़े लिखे लोगों को पता है उस बारे में। सोशल प्रेशर की वजह से अगर आ गया बिल्कुल प्रिपेयर्ड है तो वो ये देखेगा बड़ा होके, उसके क्लास फेलो भी देखेंगे क्या पता। तो आप सारी जिम्मेदारी आप पे है। पहले मैं थोड़ा सा आसान सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि इनमें से आपको क्या लगता है कि ज्यादा बेहतर क्या है, टीवी वन या कोई दूसरा चैनल? टीवी वन। थैंक यू सो मच। हमारे पैसे बढ़ जाएंगे कोई टेंशन नहीं। सीमा मैम प्लीज ये वाला एपिसोड देखिए। हाँ खास तौर पे आपके लिए। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, गहराई में जाइए लेकिन अब मजाक नहीं। हाँ अब मजाक खत्म हो गया है तो मेरी लाइट काट रो उधर। हाँ अच्छा जी सवाल ये है कि आदि या फैजान, सोचिए। और कोई इसका रीजन नहीं देगा हमें प्लीज, सिर्फ जवाब आदि या फैजान। अब मैंने इतनी जो बैंड बजाई है उसके बाद मुझे कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं एहसान नहीं चाहिए आपको, प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। हाँ एम्बिवर्ट एहसान नहीं लेते, एम्बिवर्ट और अनवर रटोल। जल्दी बताएं जी आदि या फैजान? आदि। क्या बात है जी, वाह जी वाह।
आपको बहुत मुबारक हो कि एक जीती जागती लड़की ने होश आवाज में आपको नाम दिया है। अंडरस्टैंड उर्दू एनीमोर ओनली इंग्लिश ओके जी बात तो आज ही ब्रेक का ब्रेक पर चाहिए बात सही हमारे साथ मौजूद है मरिया माता आप देख रहे हैं दी मजेदार शो मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 वेलकम बैक जी आप देख रहे हैं तो मजेदार शो मेरे साथ मौजूद है आदित्य तिलमजा उनके साथ मौजूद है मरियम फातिमा उनके साथ मौजूद हूं मैं थैंक्स यार मरियम हमने एक सिलसिला शुरू किया कि हर शो में हम एक किसी से 500 रुपए मांग लेते हम एक टैलेंट को यहाँ पे इनवाइट करते हैं जो कि यहाँ पे आके अपना टैलेंट शोकेस करते हैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा चल रहा है सिलसिला जो जो लोग आए बहुत टैलेंटेड हैं आज भी हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और पता करते हैं उनका टैलेंट क्या है अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप वालेकुम सलाम आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर आपका नाम है मुजद्दिद अमजद साबरी जी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने जब भी पाकिस्तान की म्यूज़िक के बारे में बात होती है पाकिस्तान की कवाली के बारे में बात होती है तो इनका नाम ज़रूर लिया जाता है अमजद साबरी साहब अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे ये उनके साहबजादे हैं हमारे पास मौजूद हैं सर मुझे बताएं आपसे तो ये पूछना फजूल होगा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं मुझे बताएं कब आपने ये सोचा कि अब मैंने इसको फॉलो करना है बेसिकली मैंने अपने वालिद साहब के इंसिडेंट के कुछ अरसे बाद सोचा था लेकिन तब मेरी फैमिली ने मुझे नहीं आगे आने दिया कि क्योंकि अभी तुम काफ़ी छोटे हो ठीक है तो अब क्योंकि अब मुझे ऐसे फीलिंग आई कि मैं सीख के आगे आऊँ क्योंकि बगैर सीखे तो कोई चीज़ कोई लाइक नहीं करेगा सही एक टाइम आएगा कि लोग मुझे छोड़ना सुनना पसंद कर देंगे पसंद करेंगे जब मुझे कुछ आता होगा जब कुछ नहीं आता होगा तो लोग बोलेंगे हटाओ इसको क्या बात तो क्या क्या करना सुन के जो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगती है ना वो ये लगती है कि इतना बड़े नाम के बेटे होने के बावजूद भी आपने ज़ीरो से शुरू किया काम एंड यू वांट टू लर्न आप चाहते हैं कि मैं खुद सीखूं और अपना नाम खुद बनाऊं ये बहुत बड़ी बात होती है सो हैट्स ऑफ टू यू आदि भाई कुछ पूछना चाहेंगे मैं देख रहे हैं वैसे मैं देख रहा था मैं सबको देखता हूँ और से ठीक है तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह नया ज़माना चल रहा है अब सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है और पाकिस्तान में भी आ गया है ऑलमोस्ट तो उसके बारे में कुछ प्लानिंग की हुई है कि फ्यूचर में मैं इसकी तरफ ये करूँगा या उस तरह से जाऊँगा देखें मेरे दादा मोहतरम हाजी गुलाम फरीद साबरी का जो दौर था उन्होंने उसमें एक कवाली जब बनी उनके एक ग्रुप बना उन्होंने उस हिसाब से चलाया जो उस वक्त के लोग सुनना चाहते थे उसी कवाली को मेरे वालिद साहब ने मॉडर्नाइज किया जो यूथ सुनना चाहती थी मेरी भी यही कोशिश है और तमाम लोगों से यही दुआ करूंगा कि सब मेरे लिए दुआ करें और मैं जो करूं सबको पसंद है यकीनन मुझे बताएं कि आजकल के सिंगर्स में कौन पसंद है आपको कोई 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 ऐसा जो आपको इंस्पायर करता हो अली जफर ठीक है और आतिफ असलम कुछ अच्छा तो आप सिर्फ कवाली ही गाते हैं या कोई और गाना भी किसी और तरह जॉनर पे भी जाते हैं नहीं मतलब वो फैमिली फंक्शंस वगैरह इवेंट जो पर्सनल इवेंट्स होते हैं उसमें तो बंदा कर लेता है लेकिन जो प्रोफेशनलाइज काम है वो कवाली का ही है ठीक है ठीक है सर क्या सुनाएंगे आज आप लाल मेरी पत माशाल्लाह बहुत बुजुर्गों का कलाम है बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है बिल्कुल और कोशिश करूंगा कि मेरे अंदाज में भी आपको पसंद है सर बिल्कुल जरूर इजाजत है बिल्कुल लाली मोरे लाल की सोचत देखूं तेरा लाली देखण में गई तो खुद भी हुई गई लाल हो लाल मेरी पत रखियो बला झूल लाल हो लाल मेरी पत चकियों बला झूल लाल सिंदड़ी दा सेवन दा सभी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली शाबाज कलंदर रवे दम दम दे हो लाल मेरी चार चिराग तेरे बनने हमेशा चार चिराग तेरे बनने हमेशा पंजवा में बालन आयो बाला झूले
लानन सिंधड़ी दा सेवन दा सभी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली शाबाज कलंदर रवे दम दम दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी वनु पीरा बिछड़े मां वनु पीरा बिछड़े पैना नु दे नहीं वीर मिला जुल लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दे दम दम दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी बहुत आला यार जबरदस्त आपको देख के लगा नहीं मुझे ऐसा मैं एकदम ना वहाँ चला गया था जब अमजद भाई गाते थे ना तो हम लोग उनको बैठ के सुनते थे और मुझे याद है कि मैंने आपको बहुत छोटा देखा है उनके साथ आप यकीन उनके साथ फंक्शंस पे भी थे शोज़ पे भी थे तो बहुत खुशी हुई मुझे आपको इस तरह देख के परफॉर्म करते हुए और उम्मीद करता हूँ कि आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत सारी पजीराई मिलेगी बहुत सारी कामयाबी मिलेगी और ये जो एक बहुत बड़ा सिलसिला चलता आ रहा है आपके पीछे आप इसका नाम ज़रूर रोशन करेंगे थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अब हम खेलने लगे आपके साथ एक्सप्लेन योर सेल्फ मज़ेदार हुआ कुछ क्योंकि आपकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आप एक्सप्लेन करेंगी कि आप ये कर क्या रही थी ठीक है तो लाइए जी तस्वीरें जरा दिखाइए और इसमें हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं आप हाँ जी ये देखिए मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था फिर भी ये क्या एज थी आपकी कुछ याद है मैं 1.5 साल की थी यहाँ पे 1.5 साल की 1.5 साल की थी हाँ जी मतलब शुरू से ही फोटोजेनिक ना मतलब फुल तैयार होके फुल स्टाइलिंग करके तस्वीर खिंचवाई बहुत कम होता है ऐसे वैसे है ना हमारी है कोई बचपन नाक मुंगली डाली हुई है किसके अपने अच्छा और चेंज अच्छी बात है अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइए अगली वाह ये थोड़ी बड़ी क्यों नहीं हो रही है नहीं हो रही है तस्वीरों में बड़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता दो पोनियां बांधी हुई हां ये कब की तस्वीर ये मैं 5 साल की हूं और आई थिंक मैंने कुछ बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की थी यहां पे तो मैं बहुत खुश हूं यहां पे अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइए ओके दैट्स माय मॉम और ये मैं हूँ यहाँ पे भी मैं आई थिंक 1 साल की हूँ प्रॉबेबली हाँ 1 साल की ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जब आप 2 साल की थी उसके बाद कैमरा बेच दिया सारी तस्वीर पीछे लगी क्यों है नहीं आगे की भी आएंगी आ रही है मतलब ये तस्वीरें वो थी ना जो इंसान ने खुद नहीं देखी होती उनको दिखा दें आई थिंक यहाँ पे मैं मेरे हाथ में जो टॉय है मुझे बहुत पसंद था टॉय है लेकिन मेरा मूड मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है हाँ कुछ मूड आपका ऑफ सा लग रहा है खराब हुआ है ये वो लग रहा है इंसान की बच्ची बन हाँ क्योंकि नहीं माय मॉम इज लाइक यू नो शी इज लाइक दिस एंड आई एम जस्ट लाइक पॉइज्ड हां फुल पॉइज्ड और आप कह रही हैं ये छोड़ो तस्वीर अच्छा जी लाइए अगली तस्वीर दिखाइए ये आप बड़ी हो गई मुबारक हो ये मैं वेरी गुड ये कब का केक है क्या है बर्थडे पार्टी लग रही है 2019 नहीं ये एक्चुअली एक स्टिल है फ्रॉम एन एड दैट आई डिड अच्छा ये बड़ा अच्छा स्टिल है ये तो आप मुझे केक शेक बना लेती हैं आप खुद नहीं केक मैंने कभी नहीं बनाया अच्छा जी और तस्वीर दिखाइए ओ प्यासी प्यासी मतलब पानी नहीं आया सुबह से बैठी है मोटर चल लेंगे सारे क्या है ये लॉकडाउन में लॉकडाउन में हालात क्या हो गए मैं यार मैं बोर हो रही थी मैंने बोला मैं अपनी पिक्चर हां तो सही है यार मैं सेल्फी ली हुई है हां बड़ा टैलेंट है भाई क्यों क्या मतलब है नहीं मतलब सेल्फी और पोजिंग साथ साथ नहीं वरना सारी सेल्फी यूं ही होती मैं ऑनेस्टली बताऊं इसके मैं क्यों थी ये हो रहा था और वो पिक्चर में मेरा एक्सप्रेशन नहीं हिल रहा था लेकिन मेरे हाथ यूं हो रहे थे तो ये बहुत मुश्किल से ली थी मैंने बट यू मैनेज्ड इट प्रीटी वेल हां बिल्कुल बहुत अच्छी तस्वीर है वेरी गुड पूछे क्या पूछने लगे था नहीं नहीं कुछ नहीं पूछना मुझे ये बताएं आपको तस्वीरें खिंचवाने का शौक है यकीनन हाँ, है जब फैंस आते हैं और कुछ फैन तो बोलते हैं हेलो मैम बिग फैन हाँ। एक होता है मैम आई रियली लाइक यू बिग फैन एक होते हैं वो जो घुस जाते हैं अंदर हाँ, जो बिल्कुल मतलब जैसे अपने समोसों की खुशबू लेके क्या करती है एक बार हुआ था हमारे साथ बीबरादिस रेस्टोरेंट और वहाँ पे एकदम से ना एक पूरा झुंड आ गया था हारिस और मेरे पास आधे लोग मेरे पता नहीं कौन से ड्रामे के थे आधे लोग उसके थे और वो सारे ना अच्छा वो पिक्चर में एक बंदे ने हारिस को बोला आप इस साइड पे हो जाएं वो आप इधर हो जाएं आप मैं इधर खड़ा होऊंगा तो वो फुल मतलब ना आते हैं लोग और उन्हें बड़ा क्या करती है अवॉइड नहीं नहीं उन्हें उनको ये होता है कि उनकी ज़्यादा अच्छी पिक्चर आए वो आपको भी नहीं देखते उन्हें होता है कि बस हम अच्छे लगें मुझे उन्होंने एक बार बोला भी कि आप स्माइल सही तरह नहीं कर
रही हैं। I was like, अच्छा हाँ हाँ तो अब ये होता है। Very nice. तो अच्छा है वैसे। हाँ ठीक है मतलब तस्वीर खिंचवाने हैं। हाँ भाई उसके लिए तो एक ही मौका है। He's like, आपने स्माइल सही नहीं किया हुआ, आप खुश लगनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स को आप कैसे हैंडल करती हैं इसके अलावा? मतलब लोग ऑब्वियसली मैसेजेस करते होंगे या कहीं मिलते होंगे, तो फैंस के लिए आप मतलब क्या? बहुत तरह के मैसेजेस आते हैं। इफ समथिंग, अगर मुझे किसी का कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन लगता है ना, अगर वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, तो फिर मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी सारों को मैं नहीं देती। लेकिन ऐसा तो नहीं होता जवाब देती वो पूछते हैं कि आर यू फॉर रियल, क्योंकि ये भी मसला हाँ, है। ये वाले हाँ, भी होते हाँ, हैं हाँ, कि आप जवाब दे दें। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप जवाब दे दें तो फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि यू नो नाउ लाइक वी गोना गेट मैरिड नाउ। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, वापस आइए। हमारे साथ मौजूद है मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। मजेदार वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि दिलम, जो उनके साथ मौजूद है मरियम फातिमा, उनके साथ मौजूद मैं। सब बजा दिया। अच्छा जब हम खेलने लगे ट्रांसलेट, मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार। आप पाकिस्तानी गाने सुनती हैं? कुछ याद रहते हैं आपको? वेरी गुड। होगा कुछ यूं कि आपको एक गाना बताया जाएगा, उस गाने को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके ठीक है, और आपकी मदद के लिए बैठे हमारे उस्ताद जी जो कि गाने की ऐसी तैसी करेंगे। क्यों भाई, मैं क्यों ऐसी तैसी करूंगा? मतलब आप हेल्प करेंगे। हेल्प करूंगा, हेल्प ऐसी तैसी इंग्लिश में हेल्प को बोलते हैं। ओके ठीक है। अच्छा जी तो हंसो। पहला गाना जी सुन रहे सजनिया, अली जफर साहब का। हाँ हाँ ठीक है, आपने सुना वो गाना? तेरी मेरी गर्मियां, तेरी मेरी गर्मियां, क्या है सुन रहे सजनिया, तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सू बहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही सजनिया लिसन ओ लव। अरे भाई इनको तो आता है काम, अंग्रेजी आती है प्रॉपर। लिसन ओ, अच्छा ये गाना है उसी तरह से, पहले आप ट्रांसलेट कर लें। सुन रहे सजनिया, फिर क्या है, तेरे संग दुनिया, तेरे संग दुनिया, विद यू द वर्ल्ड, ऐसे जैसे हर सू बहार है, ऐसे जैसे, ऐसे जैसे हर सू बहार है, दिस इन दैट, लिसन, बहुत वो अजीब हो रहा है, लिसन ओ माय लव। हाँ फिर क्या है, तेरे संग दुनिया, द वर्ल्ड विद यू, द वर्ल्ड विद यू, ऐसे जैसे, इज जस्ट लाइक, सीम्स, सीम्स लाइक स्प्रिंग, इस तरह का कुछ हर सू बहार है, एवरी टाइम या एवरी आवर और एवरी, हर सू मतलब कि हर पल, द वर्ल्ड विद यू ऑलवेज सीम्स लाइक स्प्रिंग। ठीक है, जिया नहीं जाए रे, cannot live, can't live, हाँ, तेरे बिन हाय रे, तेरे बिन हाय रे, क्यों, नहाते हो, without you I'm done, नहाए नहीं, तेरे बिन हाय रे, without you I'm done, हाँ, तुमसे ही, I'm done for, तुमसे ही हमको प्यार है, I love you, you are the one I love, direct, I love, तो तुमसे हमको प्यार है, I love you ही तो होता है, अच्छा ठीक है भाई, I love you की उर्दू क्या होती है, नाराज क्यों हो रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं, चलें, अच्छा जी अभी इसको गाना है आपने, ये मैं मुझे याद कैसे रहेगा पूरा दिमाग से बेसिक तो यही होता है, याद दिमाग से रहता है। चले जरा एकदम हल्का हल्का बीट बजाए, पहले हम उर्दू में गाते हैं, चले। सुन रहे सजनिया, तेरे बन दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है, लिसन ओ माय लव, दिस वर्ल्ड विदाउट यू प्यार है, जिया नहीं जाए रे, क्या था उर्दू, क्या थी उर्दू, क्या थी दूसरा मुश्किल है, लेकिन चले आपने अटेम्प्ट किया और आपने ट्रांसलेट ठीक ट्रांसलेट तो कर दिया ना। अच्छा अच्छा अगला गाना है देखा जो चेहरा तेरा, When I saw your face, ये हो गया ना, नहीं मौसम भी प्यारा लगा, मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, When I saw your face, मौसम भी प्यारा लगा, मौसम भी प्यारा लगा, the weather seemed lovely, नहीं वो कह रहे मौसम भी प्यारा लगा, मौसम भी प्यारा लगा, मौसम भी आपको पता है एक फ्रूट होता है, मौसम भी, अच्छा ऑरेंज, हाँ ऑरेंज का रूखा कदम, नहीं नहीं वो कह रहे मौसम भी प्यारा, अच्छा मौसम भी, weather is also amazing, वो बकायदा उसको ट्रांसलेट कर रही है, मौसम भी ऑरेंज, ऑरेंज कैसे हो सकता है, ऑरेंज क्यों प्यारा लग रहा है, उन्होंने गाया ऐसे क्यों लगता है, मौसम भी प्यारा लगा, हाँ जी, when I saw your face, weather is also lovely, the weather seems lovely, weather is also lovely, कानों में झुमका तेरे, earrings in your ear, हमको सितारा लगा, look like a star for me, चले गाएं, when I saw your face, weather is also lovely, nice. Oh my god, ear jewelry, look like a star to me, वाह यार वाह, ear jewelry, earrings, earrings sorry,
ये ज्वेलरी लुक्स लाइक स्टार। अच्छा तुम लड़के हो, वेरी गुड यार। अच्छा जी अगला गाना है मेरा माही आ गया भाई जुनून। तुम्हारा माही कहीं गया? मेरा माही आ गया, 1000 तक गया था। मेरा माही आ गया, माय लव हैज अराइव्ड। नहीं, उसका जो मेन पार्ट ये है कि मन मेरा बोले मेरी प्यास बुझा, प्लीज माय हार्ट इज सिंग, प्लीज फिनिश माय थर्स्टी, फिनिश माय थर्स्टी, मेरी प्यास बुझा। मन मेरा बोले मेरी प्यास बुझा, माय हार्ट सेज क्वेंच माय थर्स्ट। ये तो ऊपर से ही निकल गया quench my thirst. ये you know what quench is? हाँ, what is? ये मुंह में अगर कोई रबड़ जैसी बोटी आ जाए तो मुंह करता है। अच्छा हाँ, क्या मेरा माही? मन मेरा बोले मेरी प्यास बुझा, इसकी मेलेडी क्या है? मन मेरा बोले मेरी प्यास बुझा, मन मेरा बोले कहीं दूर न जा, मन मेरा बोले मेरी प्यास बुझा, my heart, ओ, मेरा माही आ गया। ये मैंने सुना भी नहीं है। अरे जुनून का गाना है तो मशहूर। अच्छा आप ट्रांसलेट कर दें, उस्ताजी गालेंगे, आप ट्रांसलेट कर दें। मन मेरा बोले मेरी प्यास बुझा, माई हार्ट सेज क्वेंच माई थर्स्ट, क्वेंच माई थर्स्ट, फिर आगे मन मेरा बोले कहीं दूर न जा, My heart says don't go far. हाँ ठीक है। और फिर मन मेरा बोले मेरी प्यास से पूछा, तो दोबारा हो जाएगा क्वेंच में था। ओ मेरा माही आ गया। My love has arrived. My love has arrived. चलें जी गाएंगे। One two three go. My heart says don't go far. एक सेकंड रोक दो, ये तुमने शक्ल कैसी बनाई थी? इस शक्ल पे क्वेंच मुंह से निकला ही नहीं है। नहीं निकल रहा जी, दोबारा कोशिश कर दो ना। अच्छा आप कोशिश करो, कोशिश तो करो। अच्छा बगैर म्यूजिक के एक दफा क्वेंच पे मैं चाहता हूँ जरा भाई का सोलो बनाइए यार। आप बिल्कुल यार, आई लव यू। चले इधर इस सोलो पे। माय मन मेरा बोले मेरी प्यास, माय हार्ट सेज, हां माय हार्ट सेज क्वेंच माय, ये पठान क्यों हो जाता है ये? आप बोलो जरा, मैं आपके मुंह से एक दफा सुनूं। माय हार्ट सेज क्वेंच माय थर्स्ट, क्वेंच। हाँ तो तुम पढ़ा यार, गारे तो पढ़ान हो रहा है, आप गाओ, आप में पढ़ान होगा। My heart says just quench my thirst. आपका सही निकल रहा है। आप क्यों पढ़ान हो रहे हो? मेरे वो मुंह घूम रहा था। दोबारा करो। My heart says just quench my thirst. Quench की स्पेलिंग क्या है? K-U-I-N-C-H. K-U-I-N-C-H. Quench. Okay. अम्मी किस तरह आई थी quench? मेरे को गाना। My heart says quench my shirt. My shirt off! Hey! No, no. Wrong. Shirt kahan se aa gayi? Thirst. My heart is... 1, 2, 3, go! My heart says quench my thirst. My heart says please don't go over. My heart says quench my thirst. Dear finally arrived. मेरा माही आ गया। अब अगला गाना है मिस्टर फ्रॉडिये। ये तो इंग्लिश ही है। क्यों? मिस्टर फ्रॉडिये। मिस्टर फ्रॉडिये इंग्लिश है पूरा, तो वाह जी वाह तू कितना सेट है। हां मिस्टर फ्रॉडिये, वाह वाह, व्हाट अ सेटलमेंट यू आर, व्हाट अ सेटलमेंट यू आर, कितना सेट है। वाह जी वाह तू कितना सेट है। इसके आगे भी कुछ है ना, वाह जी वाह तू कितना सेट है मिस्टर फ्रॉडिये, कितने पैसे ठगी है, कितने पैसे मैंने ठग लाई है कुड़िये, मिस्टर चीटिये, वाओ हाउ मच सेट यू आर अ मिस्टर चीटिये, हाउ मच मनी यू स्टीलिये स्टीलिये। जल्दी से हम बेसिक वो बजाएंगे और फिर ये बेसिक तक मूव करेंगे जो हम बेसिकली कर लेंगे जी। ठीक है, ये भी करेगा, फारिक बैठा था मैंने कहा आजा। अच्छा चलो जी। हाँ जी बजाएं जी। ओए होए तुम भी करो ना। वाह जी वाह, ये पागल बच्चे पहली बार पिकनिक पे जाते हैं ना जब
मुझे स्टेप से ज्यादा एक्सप्रेशन में मजा आ रहा था मतलब जाने सबको जाने दो ना ठीक है कोई बात नहीं वेल देन जी ये क्या पकड़ा दिया मुझे तुमने पकड़ा दिया थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आपके बहुत सारे फैंस ये शो देखेंगे हमारे भी कुछ आने वाले शो देखते हैं तो अगर आपका कोई मैसेज हो तो दैट कैमरा इज योर्स लोग बहुत सारी बातें करते हैं बहुत एडवाइस देते हैं सो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है अपनी जिंदगी में फॉलो वट एवर यू फील इज राइट फॉर यू एंड वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन बी क्यूरियस अबाउट दैट एंड गो फॉर इट वेरी नाइस आज भी कुछ समझ आया आपको नहीं वैसा बताओ ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है कह रहे विल यू मैरी मी आज भी आपका कोई मैसेज है भैया मोबाइल खोलना पड़ेगा यार शो के बीच नहीं कोई ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है तो बताइए क्या मैसेज यार मैं कोई मैसेज नहीं है ठीक है जी उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन करेंगे अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो कि यहाँ के आप शोकेस करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज द मजेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको यहाँ बुलाने जी सर बोलिए मैं एक बात और ये अभी आपकी बात से मुझे जी जी बोलिए कहना बोलिए वो मैंने ये कहना था कि वो कुछ लोग लिख रहे होते हैं जी आप टैलेंट करते हैं और खाली सिंगर आते हैं आपके पास तो भाई ये कोई हमारे मामू के लड़के थोड़ी हैं ये हमें इनबॉक्स करते हैं जो टैलेंट आपके अंदर कुछ है वो आप दिखाओ हमें अगर अच्छा होगा टीवी पे दिखाने के लायक होगा तो हम आपको भी बुला लेंगे तो ये जो हमें ना हमें शिकायत नहीं करेंगे जी खाली सिंगर आते जो टैलेंट होगा वो हम देखें पहले एक आंटी आई थी जो पेंटिंग करती थी हमने उनको भी बुलाया फिर एक स्केच आर्टिस्ट भी आई थी मैजिशियन आया तो ये घर पे भी आए थे जी सड़ी हुई फुप्पो की तरह बैठ के ना घर पे टाइपिंग ना किया करें यहाँ हमारे बाप का शो नहीं है गुड यार अच्छा इससे बेहतर था हमें मैसेज ना देते एक बार मैसेज दूंगा मैं सी यू थैंक यू जी उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा दिस वाज दी मजेदार शो अस्सलाम वालेकुम मैं हूं ज़ैन बेग और मैं आ रहा हूं मजेदार शो पे आदि फैजान के साथ ओनली ऑन टीवी 1 मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार